लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, द मोस्ट पावरफुल एंड बिगेस्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर इन द वर्ल्ड, एक ऐसी मशीन जिसमें 80 करोड़ मीटर पर सेकंड की रफ्तार में, यानी ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड में पार्टिकल्स को एक दूसरे से कोलाइड किया जाता है, जस्ट सो दैट इन कोलिशन से फॉर्म हो रही एनर्जी की मदद से बिग बैंग की गुत्थी को सुलझाया जा सके और ऐसे पार्टिकल्स को डिस्कवर किया जा सके जो कि फिजिक्स के स्टैंडर्ड मॉडल में जिसके बारे में प्रेडिक्ट किया गया है। इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग, राइट? दो नोन पार्टिकल को 99.9% लाइट स्पीड से टकराओ और आपको अननोन पार्टिकल्स मिलेंगे, क्योंकि वो पार्टिकल्स का जब चूरा 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 होगा तो उन चूरों में से आपको कोई नया अननोन पार्टिकल मिल सकता है जिसके बारे में फिजिक्स की स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स थियरी प्रेडिक्ट करती है। अब यू नो एलएचसी के बारे में सभी ने सुना है और सबको मालूम है यहाँ पे लाइट के सिग्निफिकेंट परसेंट स्पीड से यहाँ पे पार्टिकल्स को टकराते हैं। क्या आपके खुराफाती दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि क्या होगा अगर आपने बीच में उंगली डाल दिया या फिर आपने बीच में अपने सर को ही घुसा डाला कोलिजन के बीच में, आखिर उसका परिणाम क्या होगा? क्या स्टार वॉर्स में दिखाए गए तबाही के जैसा ही कुछ भयानक होगा? क्या वो छोटा सा पार्टिकल इंसानी खोपड़ी के आर पार निकल जाएगा खड्डा करके, या फिर बूम एक धमाकेदार एक्सप्लोजन होगा, या फिर इवन ये पॉसिबिलिटी भी है कि वो बीम बिना कुछ करे उस इंसान के शरीर के आर पार निकल जाएगा विदाउट डैमेजिंग एनीथिंग? वेल हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हमें गेस करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा ही कुछ रशियन साइंटिस्ट एंटोली बुगोर्स्की के साथ ऑलरेडी हो चुका है। यह हादसा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंटोली बुगोर्स्की रशिया के सबसे बड़े पार्टिकल एक्सेलरेटर U70 सिंक्रोट्रॉन में इक्विपमेंट इंस्पेक्शन का काम करते थे। सो एक दिन हर रोज की तरह जब वो इक्विपमेंट में आए हुए फेलियर को टेस्ट करने के लिए पार्टिकल एक्सेलरेटर चेंबर में एंटर किए, उनके साथ उस चेंबर में एक जानलेवा हादसा हुआ। एक ऐसा हादसा जिसने उनकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख दी। दरअसल हुआ कुछ यूं था, बुगोर्स्की ने कंट्रोल रूम को अपने पार्टिकल एक्सेलरेटर चेंबर में जाने की जानकारी तो दी थी, लेकिन कंट्रोल रूम चेंबर के अंदर लाइट स्पीड से ट्रैवल कर रहे प्रोटॉन बीम को बंद करके उसे सेफ टू एंटर बना पाते उसके पहले ही बुगोर्स्की उस कमरे में पहुंच गया। नाउ एज वी ऑल नो, पार्टिकल एक्सेलरेटर एक ऐसा मशीन है जो हाई एनर्जीज की मदद से एलिमेंट्री पार्टिकल्स जिसकी प्रोटॉन्स को लाइट की स्पीड से एक्सेलरेट कराता है, और इसका करवा पाने के पीछे का इसका मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले पार्टिकल सोर्स को एक कंप्लीटली वैक्यूम क्रिएटेड मेटल पाइप के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड्स को यूज करके पार्टिकल को बीम में कन्वर्ज किया जाता है ताकि पार्टिकल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर सके, और फिर जैसे ही पार्टिकल बीम ट्रैवल करने लगती है वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट्स उन बीम्स को फिक्स पाथ पर एक्सेलरेट करते हैं, और फिर जब पार्टिकल्स एक स्पेसिफिक एक्सेलरेशन तक पहुंच जाते हैं तब उन्हें किसी टारगेट पर बॉम्बार्ड कर दिया जाता है। अब ऐसे देखने में यह मशीन कितनी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बट इसका मैकेनिज्म है ना एकदम सिंपल। बट माइंड यू, एट अ टाइम इसमें ट्रिलियंस ऑफ प्रोटॉन्स 30 करोड़ किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ट्रैवल करते रहते हैं, जिसमें भी हर एक प्रोटॉन 70 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स जितनी एनर्जी क्रिएट करता है। ये एनर्जी इतनी हाई होती है कि आपको लिटरली एक गुब्बारे की तरह ब्लास्ट करवा सकती है। अब जस्ट इमेजिन, ऐसे ही एक पावरफुल पार्टिकल बीम के सामने बुगोर्स्की का सर आ गया था। दरअसल जैसे ही बुगोर्स्की उस चेंबर में एंटर हुए वैसे ही ऑलमोस्ट लाइट के स्पीड में ट्रैवल कर रही 3 mm की प्रोटॉन बीम उनके सर के पीछे से एकदम आर पार हो गई। लाइक लिटरली लेफ्ट विजुअल प्रोसेसिंग एरिया से होते हुए हाइपोथैलेमस, टेम्पोरल बोन, ईयर बोन, टिम्पैनिक कैविटी, जॉज और लेफ्ट विंग ऑफ द नोज से आउट निकली। एक सेकंड के लिए उन्हें समझ में ही नहीं आया कि एग्जैक्टली उनके साथ हुआ क्या, पर जैसे ही उनके आंखों के सामने 100 सूरज जितनी रोशनी दिखाई दी उन्हें अंदाजा लग गया कि उनका सर हाईली एनर्जेटिक प्रोटॉन बीम के बीच आ गया है। अब आई नो आप सब सोच रहे होंगे इस इंसिडेंट ने डेफिनेटली उनकी जान ले ली, बट वियर्डली ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट आज भी वो जिंदा है। आप यकीन नहीं करोगे, बीम के स्ट्राइक के बाद वो सही सलामत अपने कैबिन में आके काम करने लग गए। हालांकि उस वक्त उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था उनके साथ जो अभी हुआ है उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में काफी दर्दनाक होने वाला था। Perhaps ये एहसास होने में देरी लगी क्योंकि उनका सारा अटेंशन तो अपने काम में लगा था। अब इस इंसिडेंट को अवॉइड किया जा सकता था with proper security measures regarding coming in and coming out of chambers. अब ऐसे ही similar safety and protection protocols आपको हर रिसर्च सेंटर और इवन बड़े कंपनीज में देखने मिलेंगे, बट उनमें जॉब्स लगना आज के तारीख में बहुत ही मुश्किल हो गया है। Well, not anymore. बिकॉज इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए री लेवल ने लॉन्च किया है न्यू प्लेसमेंट प्रोटेक्शन प्लान।
रीलेवल ऐसे कोर्सेज बना रहा है जो आउटकम ड्रिवन होंगे, मतलब आपके कोर्स खत्म होने के बाद अगर 90 डेज में आपको जॉब नहीं मिला तो यू कैन बी एलिजिबल टू गेट 50% ऑफ योर कोर्स फी रिफंडेड। रीलेवल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म होने के साथ 9000 प्लस कैंडिडेट्स को आज तक 80 करोड़ वर्थ से भी ज्यादा के प्लेसमेंट ऑफर्स दिला चुका है। इंडिया के टॉप ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्विगी, ओला और शायोमी जैसे 800 प्लस कंपनीज में रीलेवल प्लेसमेंट दिला चुका है। रीलेवल पर 10 डिफरेंट कोर्सेज में से आप अपना मन पसंदीदा कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। खत्म करते ही टेस्ट दो और पाओ अपना ड्रीम जॉब विद इन 90 डेज। और आपके मन में ये डाउट होगा कि व्हाट इफ आई डोंट लाइक द कोर्स, अगर ऐसा होगा तो वरी नॉट, यू कैन गेट अ फुल रिफंड विद इन 14 डेज, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, फॉर्म फिल करो एंड स्केड्यूल योर स्क्रीनिंग कॉल इमीडिएटली एंड गेट योर ड्रीम जॉब। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू आवर टॉपिक। आइए देखते बुगोर्स्की के बॉडी में क्या असर आया था। वेल फ्रेंड्स, जनरली सिर्फ 500 रैड्स ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद ही इंसान के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, और बुगोर्स्की ने तो एक ही बार में 2 लाख से 3 लाख रैड्स ऑफ रेडिएशन को एक्सपीरियंस कर लिया था। अब आपको मैंने स्केल बता दिया है तो इससे होने वाले नुकसान के बारे में तो आप शायद सोच भी नहीं सकते हो। इस रेडिएशन का इफेक्ट का पहला साइन बुगोर्स्की को तब मिला जब वो रात को अपना काम निपटाकर घर गए। घर आते ही बुगोर्स्की का फेस अचानक से स्वेल करने लगा, वो भी इस हद तक कि वो खुद को आईने में पहचान नहीं पा रहे। उसकी इस हालत को देखते हुए उन्हें रातों रात हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही उनकी हालत और भी ज्यादा खराब होती चली गई। उनके सर के जिस हिस्से से पार्टिकल बीम पास हुई थी वो जगह पूरी तरीके से जल गई थी, और वहां की स्किन धीरे धीरे करके स्कल से सेपरेट होकर निकलने लगी थी। रेडिएशन की वजह से वहां के बाल झड़ गए थे और ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि बीम कहां कहां तक पेनिट्रेट हुई है, यहां तक कि उस पॉइंट पर एक छोटा सा होल भी बन गया था। और ये सब देखने के बाद डॉक्टर्स ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। उनमें से किसी को इस हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन का ट्रीटमेंट नहीं पता था, और उन्होंने बेबसी में ये डिक्लेयर कर दिया कि बुगोर्स्की ज्यादा देर तक जी नहीं पाएंगे। बट अगेन मिराकुलसली ही डिड नॉट डाई, ही सर्वाइव्ड। लेकिन हाँ, इस हादसे के कई सालों बाद तक रेडिएशन वाली जगह पर उनकी स्किन ठीक से ग्रो नहीं कर रही थी, और इंटरनली ब्रेन के उस हिस्से ने भी काम करना बंद कर दिया था, कॉजिंग पार्शियल फेशियल पैरालिसिस। इसकी वजह से उनके एक साइड के कान ने सुनना बंद कर दिया था, बट नेवरदलेस ही वाज स्टिल अलाइव, होल एंड हार्टी। अब सवाल ये आता है फ्रेंड्स कि हाउ इज दैट इवन पॉसिबल। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, एक पार्टिकल बीम में इंसान को चुटकियों में तबाह करने की ताकत होती है, तो फिर बुगोर्स्की इस पार्टिकल बीम के अटैक से कैसे बच पाया? Well, and the answer is because of stopping power. देखो, I know 70 billion electron volts सुनकर आपके दिमाग में अलग-अलग ख्याल आ रहे होंगे, लेकिन let me tell you, 70 billion electron volts यानी सिर्फ एक प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होता है और सडनली उसके बीच कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, तब उसके साथ हुए इंटरैक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट अपनी एनर्जी को लूज कर देता है और उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कार का एग्जाम्पल ले लो। इमेजिन करो कि पार्टिकल बीम एक कार है और बुगोर्स्की का सर कार के सामने आने वाली एक दीवार। जैसे ही रेडिएशंस बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, वैसे ही वो बॉडी में मौजूद एटम्स को आयोनाइज कर देते हैं और मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देते हैं, और इस प्रोसेस में रेडिएशन की इतनी एनर्जी लूज हो जाती है कि उस रेडिएशन की स्पीड कम होकर वो इवेंचुअली स्टॉप हो जाती है। और इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को लूज करवा के उसे एक ही जगह पर पॉज करा देना इज नोन एज स्टॉपिंग पावर। न्यूक्लियर फिजिक्स में इस पावर को समझना काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी को यूज करके हार्मफुल रेडिएशन को कंट्रोल में रखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर के स्मॉलर वर्जन को कंट्रोल रेडिएशन क्रिएट करके कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जा रहा है। अब जैसे कि मैंने पहले कहा, प्रोटॉन भी मैटर से ट्रैवल करते वक्त अपनी एनर्जी को लूज करती है, और ज्यादातर वक्त प्रोटॉन स्टॉपिंग पॉइंट के पहले ही अपनी पूरी एनर्जी को मैटर में डिपॉजिट कर देते हैं, एंड दिस इज व्हाट न्यूक्लियर फिजिसिस्ट्स कॉल द ब्रैग पीक। और अगर एक बार साइंटिस्टों को इस ब्रैग पीक के बारे में पता चला तो बस फिर और क्या, पार्टिकल एक्सेलरेटर को ट्यूमर पर हिट किया जाता है, सो दैट उस ट्यूमर पर पार्टिकल्स की एनर्जी डिपॉजिट होके वो पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाए। सो अगर कंट्रोल्ड वे में इसकी प्रॉपर्टीज को यूज किया जा सके तो ये बेनिफिट भी दे सकती है। इट्स नॉट ऑल अबाउट डिस्ट्रक्शन, राइट? अब ये तो था एक रीजन जो कि इन पार्टिकल्स के नेचर को दर्शाता है, और शायद बुगोर्स्की के सही सलामत रहने के पीछे इस प्रॉपर्टी का भी हाथ रहा होगा, पर इसका एक और एक रीजन था।
बुगोर्स्की के केस में रेडिएशन बिना किसी भी वाइटल पार्ट को हिट किए ही पास हुआ था और इसीलिए उस पर इसका इतना ज्यादा असर नहीं हुआ। और जो भी असर उनके ब्रेन टिश्यूज में हुआ वो न्यूरोप्लास्टिसिटी से ठीक हो गया। न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन की एक रीवायरिंग कैपेबिलिटी होती है जिसमें डैमेज न्यूरल पाथवेज फिर एक बार फॉर्म होकर रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं और ब्रेन ये नॉर्मली नेचुरली खुद ही करता है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हो, इस पूरे हादसे में लक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इससे हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि किसी भी पार्टिकल एक्सेलरेटर को आराम से टच करो और आपकी जान तो बिल्कुल नहीं जाएगी। दुनिया के लार्जेस्ट और मोस्ट एनर्जेटिक पार्टिकल कोलाइडर लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को ही ले लो, LHC का वर्किंग भी पार्टिकल एक्सेलरेटर जैसा ही सिमिलर है। बस इसमें फर्क इतना है कि एक पाइप के बजाय इसमें दो डिफरेंट पाइप में पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जाता है और फिर इन एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स को एक दूसरे से टकराया जाता है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, इस एक पार्टिकल का स्पीड अराउंड 80 करोड़ किलोमीटर्स पर सेकंड होता है और सभी पार्टिकल्स 13 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, यानी U70 सिंक्रोटॉन से 200 टाइम्स ज्यादा एनर्जी सिर्फ एक बीम प्रोड्यूस करती है। दैट मींस U70 सिंक्रोट्रॉन के कंपैरिजन में LHC काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर गलती से LHC के किसी पार्टिकल के बीच में सर आ गया तो कुछ समय के लिए पूरी दुनिया नीली नीली दिखाई देगी। Because of Cherenkov effect. Basically, जब electrically charged particles light के speed में किसी medium से travel करते हैं, तब हमारी आँखें उस energy को as a blue glow perceive करती है। और फिर धीरे-धीरे radiation की वजह से body का temperature increase होने लगेगा। और temperature increase की वजह से body में मौजूद white blood cells की quantity धीरे-धीरे कम होने लगी। और अगर white blood cells नहीं, यानी immunity नहीं, और अगर immunity खराब, यानी एक-एक करके सारे organs fail हो जाएंगे, और last में the end. But don't worry, LHC Safety Study Group ने 2003 में LHC Safety Assessment Group LSAC को appoint किया है और ये group सिर्फ और सिर्फ scientists और general public की safety पर ही focus करता है। But you know what? हमें LHC से डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इससे निकलने वाली high energy impact को हम nature में अर्थ पर यहाँ तक कि यूनिवर्स के सेलेस्टियल बॉडीज पर भी देखते आए। लेकिन अभी हमने जो स्टॉपिंग पावर के बारे में बात की तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि सपोज हमने कई सारे ब्लॉक्स को एक लाइन में खड़ा रखा तो कितने ब्लॉक्स क्रॉस करने के बाद LHC से निकलने वाली पार्टिकल बीम स्टॉप हो जाएगी। आपको क्या लगता है? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो को देखने में मजा आया, इससे कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। As always friends, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind!